दोस्तों मेरा नाम है सूरज, आप देख रहे हो सार्वजनिक टेक्निकल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम Redmi की नोट 11 प्रो और जो कि हाल ही में अभी चाइना में लॉन्च हुआ है और जो Redmi का नोट 10 प्रो जो कि इंडिया में बहुत पहले लॉन्च चुका है, ये दोनों स्मार्टफोन को हम डिटेल में कंपेयर करने वाले हैं। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कौन सा स्मार्टफोन इसमें से वेरी फॉर मनी आया, इन दोनों स्मार्टफोन को भी चूज कर सकते हो। वैसे जो नोट 11 प्रो है ना वो तो अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द वो भी लॉन्च होने वाला है। हम दोनों की डिटेल में कंपेयर करने वाले और आपको बताने वाला हूँ कौन सा स्मार्टफोन इन दोनों स्मार्टफोन से बेस्ट है, यानी कि वैल्यू फॉर मनी कौन सा यहाँ पर आपको देता है। तो फटाफट दोस्तों मेरे आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फटाफट इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं, तो लेट्स गो। हाँ तो सबसे पहले Redmi के नोट 10 प्रो और नोट 11 प्रो स्मार्टफोन दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो नोट 10 प्रो है ना दोस्तों, वहाँ पर हमें 6.67 इंच की एक फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है, जहाँ पर हमें 120Hz का रिफ्रेश रेट इस स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। वहीं अगर नोट 11 प्रो की बात करें तो वहाँ पर भी हमें सेम डिस्प्ले देखने को मिलती है, जहाँ पर हमें 6.67 इंच की ही डिस्प्ले दी गई है जो कि 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ में आती है। डिस्प्ले तो दोनों की बिल्कुल सेम हैगी। अब दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करें, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत जरूरी है, तो जो नोट 10 प्रो है ना जो पहले लॉन्च होगा, वहाँ पर हमें स्नैपड्रैगन का चिपसेट देखने को मिलता है जो कि है स्नैपड्रैगन का 732G वाला चिपसेट, जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको देने वाला है। लेकिन जो नोट 11 प्रो जो अभी चाइना में लॉन्च है, वहाँ पर हमें डायमेंसिटी का चिपसेट देखने को मिलता है जो कि मीडियाटेक की तरफ से आता है, यहाँ पर हमें डायमेंसिटी का 920 वाला चिपसेट देखने को मिलता है। और परफॉर्मेंस पर अगर दोस्तों देखा जाए ना, तो नोट 11 प्रो में हमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है। ये डायमेंसिटी का चिपसेट यहाँ पर स्नैपड्रैगन के चिपसेट को बीट कर देता है। नोट 10 प्रो में तो अभी हमें एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल रहा है, वहां पर हमें MIUI 12 देखने को मिल रहा है। लेकिन जो नोट 11 प्रो है दोस्तों, वहां पर हमें एंड्रॉइड 11 दिया गया है, लेकिन जो MIUI 12.5 के साथ में आता है जो कि अभी लेटेस्ट में चल रहा है। अब स्टोरेज वेरिएंट्स वगैरह के बारे में बात करें तो नोट 10 प्रो में हमें तीन स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जहां पर 6GB प्लस 64GB, 6GB प्लस 128GB और 8GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट यहां पर हमें देखने को मिलता है। हां तो अगर नोट 11 प्रो के अगर स्टोरेज वेरिएंट की बात करें तो यहां पर हमें तीन स्टोरेज वेरिएंट दिए गए, जहां पर पहला है 6GB प्लस 128GB, दूसरा है 8GB प्लस 128GB और तीसरा है वो 8GB प्लस 256GB वाला आता है। यानी यहां पर आपको रैम वगैरह रोम के साथ में काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो यहां पर भी आप स्टोरेज वेरिएंट में आप कह सकते हैं नोट 11 प्रो काफी बेस्ट हो सकता है। वैसे अपग्रेडेबल वेरिएंट है यहां पर, तो यहां पर तो आपको अच्छी चीजें मिलने ही वाली है। साथ ही में अगर बैटरी कैपेसिटी की बात करें दोनों ही फोन की, तो यहाँ पर नोट 10 में हमें 5020mAh की बैटरी दी गई, यहाँ पर हमें 33W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। और जो नोट 11 प्रो है, वहाँ पर हमें 5160mAh की बैटरी दी गई जो कि 67W की फास्ट चार्जिंग के साथ में यहाँ पर आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आएगी। साथ ही में अगर दोनों स्मार्टफोन के अगर कैमराज की बात करें दोस्तों, तो नोट 10 प्रो में हमें यहाँ पर चार कैमरा देखने को मिलते हैं, जहाँ पर पहला है 64, दूसरा है 8 और तीसरा कैमरा 5MP के साथ में आता है, और जो चौथा कैमरा है वो 2MP के साथ में आता है, जहाँ पर आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया गया है, वो भी 30fps पर। अगर नोट 11 प्रो की बात करें तो यहाँ पर हमें तीन कैमरा देखने को मिलते हैं, जहाँ पर पहला कैमरा 108MP का है, दूसरा 8MP का है और तीसरा कैमरा वो 2MP के साथ में आता है। यहाँ पर भी आपको 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, वो भी 30fps पर। अगर फ्रंट की बात करें तो फ्रंट पर कैमरा यहाँ पर आपको सिंगल होल में देखने को मिलता है, जो कि 16MP का आपको दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। ओवरऑल देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर हमें नोट 11 प्रो में काफ़ी कमाल के यहाँ पर स्पेसिफिकेशन वगैरह देखने को मिल रहा है, जो कि नोट 10 को यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से बीट कर रहा है। अब अगर दोनों स्मार्टफोन के प्राइस की बात करें तो नोट 10 प्रो का प्राइस इंडिया में 18,999 रुपये का, और नोट 11 प्रो की बात करें जैसे अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा वैसे ये, तो चाइना में सिर्फ इस कंपनी ने 18,600 रुपये रखेगी, जो कि मेरे ख्याल से इसके आसपास के प्राइस पर यहाँ पर इंडिया में भी आने वाला है। वैसे दोस्तों आपको इन दोनों स्मार्टफोन के कंपेरिजन के बारे में जानकर क्या लगा आप तो दोस्तों मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो, और हाँ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। तो मैं मिलता हूँ किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक आप बोलते रहिए मेरे साथ। जय श्री राम और थैंक्स फॉर वॉचिंग।